श्रीमान पीएम महोदय मेरा नाम गौरी शंकर तिवारी है। हम धर्मघोर बाबू तिवारी टोला के रहने वाले हैं। हम हथुआ भटनी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यह है कि सरकार के तरफ से 13-14 में ऐसा है श्रीमान पीएम साहब महोदय, हमारा ये कहना है कि रेलवे विभाग जो जमीन रेल के लिए अधिग्रहित किया है वो 2006 से प्रक्रिया चल रही है। रेल के अधिकारी कलेक्टर हमेशा प्रोग्राम गांव में दिए हैं, लेकिन आज तक किसानों के साथ कोई समझौता नहीं कर पाए। कुछ किसान कहते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, कुछ किसान अपना शर्त रखे उसी टाइम में कि हम 3,000 रुपये वर्ग मीटर लेंगे तो अपना जमीन देने के लिए तैयार है। वो अपना रेट भी बता दिए। इसके विषय में भी आज तक कोई समझौता रेल विभाग या कलेक्टर किसानों के साथ नहीं की। मान लीजिए कुछ किसान कहते हैं कि नहीं देंगे, तो कुछ किसान कहते तो हैं कि हम जमीन देंगे, ये रेट लेंगे। अच्छा, आपका कौन सा गांव पड़ेगा? धर्मघोर बाबू ब्लॉक पड़ता है बटनी, तहसील पड़ता है बागपार रानी। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम गौरी शंकर तिवारी है। तो हम लोग कितने वर्ष के आप हो गए हैं? हमारा उम्र हो गया 89 90 साल। हाँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से रेल का विकास काम न रुके, जनता का विकास काम न रुके। जो सरकार अलाउड कर दिया कि सरकारी रेट का जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसका सरकारी रेट का 4 गुना मुआवजा किसानों को दे करके ही वर्तमान सरकारी रेट का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। किसान अंधकार में पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसानों के साथ समझौता करके जब जमीन लेना है तो ले ली जाए, वरना इतने सालों से किसान अपना क्षति उठा रहे हैं, सही किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। अभी नया रेल मंत्री बने हैं, तो आप रेल मंत्री जी से इसके विषय में क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अधिग्रहण के आधार पर, सरकारी रेट के आधार पर किसानों को जहाँ का जो सरकारी रेट है उस हिसाब से किसानों को 4 गुना रेट पर पेमेंट कर दिया जाए। किसान जमीन खुशी से दे देंगे, किसानों को अंधकार में न रखा जाए, उनको खुल करके बताया जाए कि आपको इस रेट में हम पैसा देंगे, जमीन किसान देने के लिए तैयार है। बीच में ये बिचौलिया काम नहीं होना चाहिए कि हम बैनामा के रेट में किसानों का जमीन लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए आप जमीन हमारा अधिग्रहण किए हैं, हम बैनामा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप हमारा जमीन अधिग्रहण किए हैं तो हमारा जमीन भी ले रहे हैं, उसी हमको मुआवजा भी न मिले, बैनामा के पद पर हमारा पैसा काटा जाए तो ये उचित नहीं है। हमको सही सलामत पेमेंट किया जाए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत।